जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो इस वीडियो में कंपेरिजन करने वाले हैं मोटोरोला G51 वर्सेस नार्जो 30 प्रो 5G। काफी अच्छा फोन देखने को मिलता है आपको रियलमी की तरफ से, और मोटो का भी एकदम नया लॉन्च हो रखा है, तो काफी बेटर फोन है दोनों ही। दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा, दोनों कह सकते हो ऑलमोस्ट 16-17 हजार और ये 15 हजार में मोटो वाला फोन मिल जाता है, तो दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले अगर मैं दोनों फोन्स के प्राइस और वेरिएंट की बात करूं, तो दोनों फोन्स के प्राइस और वेरिएंट आपको डिस्प्ले हो रही है 4+64। मोटो में आपको 15 हजार में देखने मिलता है, और नार्जो में आपको 6+64 का 16-16.5 करीब, और बड़ा वाला वेरिएंट आपको 18-19 हजार का भी। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने अच्छे ऑफर लगा के नार्जो 30 को। अच्छी सेल चल रही है अभी, तो आप अच्छे बाय कर सकते हो अच्छी प्राइस में। लेकिन कौन सा बेटर रहेगा पूरा देखना वीडियो को, पूरी वीडियो समझ में आने वाली है। अगर आप दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले की ओर देखते हो, दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले फुल एचडी प्लस 120Hz की एक आईपीएस डिस्प्ले देखने को मिलती है, बस थोड़ा सा साइज में डिफरेंस देखने को मिलता है। मोटो का फोन काफी लंबा, काफी बड़ा फोन देखने को मिलता है, हैंडी फोन बिल्कुल नहीं है। और नार्जो 30 कह सकते हो, नार्जो 30 प्रो कह सकते हो, एक हैंडी फोन 6.5 इंच का फोन देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बड़ा फोन पसंद करते हो या फिर एक हैंडी फोन पसंद करते हो, और बाकी तो ऑलमोस्ट सेम है डिस्प्ले के मामले में। नेक्स्ट अगर मैं दोनों फोन्स के कैमरास की बात करूं, तो मोटो में आपको 50+8+2 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। और आपको पता है कि 8 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर का भी काम करता है, अल्ट्रा वाइड का भी काम करता है, आपने कहीं बार सुन लिया होगा। और उसी के साथ में नार्जो में आपको 48+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो दोनों में से अगर मैं सिंपल ही कहूं, एक लाइन में अगर कहने की कोशिश करूं, तो रियलमी के कैमरास बेटर निकल जाते हैं। वो भले आप अल्ट्रा वाइड देख लो, भले आप सेल्फी कैमरा देख लो, और भले आप वीडियो रिकॉर्डिंग में देख लो, तो उस हिसाब से रियलमी के कैमरास काफी बेटर तो नहीं कह सकते, लेकिन इस प्राइस में थोड़े से बेटर निकल जाते हैं। लेकिन भाई महंगा भी तो है रियलमी नार्जो 30 प्रो। नेक्स्ट अगर मैं दोनों फोन्स की बैटरी के बारे में बात करूं, तो दोनों ही फोन्स में आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन फास्ट चार्जिंग में डिफरेंस देखने को मिलता है। 20 वोल्ट का यहाँ पे मोटो में और 30 वोल्ट का यहाँ पे देखने को मिलता है नार्जो में। तो उस हिसाब से कह सकते हो मेरे को ये वाला जो पैकेज है, मतलब ये वाली जो डील है, वो मेरे को सही लगी, क्योंकि 5000 के साथ में 30 वोल्ट लगभग कह सकते हो ये काफी अच्छी डील है। फास्ट चार्जिंग भी जल्दी होगा, बैटरी भी काफी बड़ी देखने को मिलती है। सबसे बड़ा डिफरेंस आपको प्रोसेसर में देखने को मिलता है, उस हिसाब से ही प्राइस को मतलब कह सकते हो जज आप कर सकते हो। कैसे, आपको सिंपली बताने को, स्नैपड्रैगन 480+ ये पहला फोन है जो इस प्रोसेसर पे आया हुआ है। यहाँ पे 12 5G वेरिएंट्स का सपोर्ट देखने को मिलता है, और उसी के साथ में अगर नार्जो 30 प्रो में देखते हो डायमेंसिटी 800U और यहाँ पे 5 5G वेरिएंट्स का, टोटल 5 5G वेरिएंट्स का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से आपको पता है कि दोनों ही मामलों में यहाँ पे कह सकते हो मोटो G51 थोड़ा सा बेटर निकल जाता है। अब अगर प्रोसेसर की बात करूं, 5G वेरिएंट्स को सीधा ही मतलब बहुत ज्यादा हुए, 5 और 12 में काफी ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन अगर प्रोसेसर की बात करूं, तो 480+ ये ऑलमोस्ट 720G, मतलब स्नैपड्रैगन का ही 720G या फिर डायमेंसिटी 800U 700, इतने मतलब इनके बीच में परफॉर्म करता है। और अगर 5G में देखो तो काफी ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। लेकिन बैंड्स के हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा मोटो G51 थोड़ा सा कनेक्टिविटी के मामले में बेटर है। इस प्राइस में मतलब 15000 के अराउंड NFC का सपोर्ट मिलना, मतलब कह सकते हो बहुत ज्यादा कम डिवाइस में, या फिर ऐसा ही कह सकते हो इस वाले डिवाइस में ये शायद पहला डिवाइस भी हो सकता है जो 15000 के नीचे आपको NFC का सपोर्ट दे रहा है। और हो सकता है, मैं सिर्फ ऐसा नहीं कह रहा इसी में, एनीवे तो ये भी काफी ज्यादा प्लस पॉइंट है। जिनको नहीं पता NFC क्या होती है, तो यूट्यूब पे आप देख सकते हो, काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। और दोनों फोन्स में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल मैं कौन सा सजेस्ट करूंगा 15000 तक आपको कौन सा बाय करना चाहिए, तो मैं देखो दोनों में से अगर बात करूं, तो मैं आपको G51 ही सजेस्ट करूंगा। लेकिन रेडमी नोट 11T ये वाला फोन आपको 6+128 के साथ में 16000 के करीब मिल जाएगा। तो ये वाली डील आपको आई बटन मिल जाएगी, वो वाला एक बार चेकआउट जरूर करना। ये वाला फोन इन दोनों ही फोन से बेटर है। तो अगर आप चाहते हो एक अच्छा फोन लेना, तो मैं आपको नोट 11T की तरफ सजेस्ट करूंगा, उसकी तरफ भी आप जा सकते हो। नहीं तो आप मोटोरोला स्टॉक एंड्रॉइड के लिए एक मोटोरोला वाला G51 भी ले सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे ऐसी अमेजिंग अगली वीडियो में।